दोस्तों, ट्रेन में तो सफर आप सभी ने किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाए तो क्या होगा? क्या ट्रेन में भी ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है जिससे बिना पायलट बिना ड्राइवर के वो चलती रहे? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि ट्रेन में ड्राइवर मतलब कि लोको पायलट के अलावा असिस्टेंट ड्राइवर भी होता है। अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है या किसी वजह से बेहोश हो जाता है तो असिस्टेंट ड्राइवर उसे जगाएगा, और अगर वो जागता नहीं है तो वह ट्रेन को अगले स्टेशन पर लाकर रोक देगा और इनके बारे में स्टेशन मास्टर को बताएगा। फिर स्टेशन मास्टर किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर दोनों ही सो जाते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस स्थिति से निपटने के लिए ट्रेन के इंजन में विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस लगी होती है। बता दें कि ये डिवाइस इस बात का ध्यान रखती है कि अगर ड्राइवर ने एक मिनट के अंदर स्पीड बढ़ाने के लिए याटल को नहीं बढ़ाया और न ही स्पीड घटाने के लिए घाटल को कम किया और न ही ब्रेक लगाया और न हॉर्न बजाया तो 17 सेकंड के अंदर एक ऑडियो विजुअल इंडिकेशन आता है और तब ड्राइवर को उसके एक बटन दबाकर स्वीकार करना होता है या बताना होता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है तो अगले 17 सेकंड के अंदर में ट्रेन में ऑटोमेटिक ब्रेक लगना शुरू हो जाएंगे और 1 किलोमीटर के अंदर ट्रेन रुक जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह इंडियन रेलवे किसी बड़े हादसे को होने से रोकती है। अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर ट्रेन का ड्राइवर सो जाता है तो क्या होगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और आपको ट्रेन में सफर करते वक्त चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है और आप ट्रेन में बिल्कुल सेफली सफर कर सकते हैं।